हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स ऑफिसर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो अभी बीपीएससी चेयरमैन सर का इंटरव्यू आया है जो बिहार आज तक पे, उसमें इन्होंने जितने भी स्टूडेंट के क्वेरीज है उसको एड्रेस किया है। और जैसे का जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी चल रहा है स्टूडेंट के अंदर की, ये जो बीपीएससी एग्जामिनेशन जो पहले वन शिफ्ट में हुआ करती थी उसको इन्होंने दो शिफ्ट में कराने का निर्णय ले लिया है फाइनली। और ये अब लगभग लग रहा है कि इन्होंने मूड बना लिया है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि जो है ये आवाज़ बीपीएससी चेयरमैन सर के पास पहुंचे और आपका एग्जामिनेशन फिर से वन शिफ्ट में हो सके। नहीं तो ये आगे भी एग्जामिनेशन इसी तरीके के ट्रेंड में करवाया जाएगा, चाहे वो 68 हो 69 हो, ठीक है। तो ये जितने भी एस्पिरेंट हैं बीपीएससी के, चाहे वो जब भी देने वाले हो, ये सब इसमें भाग लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो आप अपना इस डेट को मान के चलिए 20 और जो भी 22 तारीख का जो भी डेट है, ताकि आपका प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहे। और दूसरा जो ये परसेंटाइल मेथड है इनको भी इन्होंने एड्रेस किया है, वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे देख लें। इन्होंने बताया है कि जो ये 3-3 लाख का शिफ्ट बनेगा लगभग, क्योंकि 6 लाख लगभग बच्चे जो है वो अपीयर हो रहे हैं, और इसमें जो भी टॉप होंगे बच्चे उसमें से उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ऑप्शनल पेपर स्केलिंग के बाद पे भी इन्होंने बोला है कि फ़िलहाल जो है बीपीएससी में स्केलिंग का कोई प्रावधान नहीं रखा जाएगा। इनका कहना है कि मिनिमम 1000 बच्चे किसी एक पेपर के होने चाहिए, तभी जाके ये स्केलिंग कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, आप लगभग 9000 बच्चे मेंस में अपीयर होते हैं, तो इसमें किसी एक बच्चे का, किसी एक ऑप्शनल पेपर में 1000 बच्चा होना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको देखते हुए इसको भी इन्होंने अभी बोल दिया है कि ये स्केलिंग अभी नहीं होगी, ठीक है। और ये बीपीएससी का कैलेंडर की अगर बात करें तो इन्होंने बताया है कि लास्ट दिसंबर तक इन्हों कैलेंडर जारी कर सकते हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नाउ नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में पूछा गया कि क्या फ्यूचर में बीपीएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम करेगी, तो अभी फ़िलहाल तो जो है ये बीपीएससी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के मोड में नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि ये यूपीएससी भी विजिट किए हैं इस मामले में, और भी जितने भी संस्थान हैं वहाँ से इन्होंने पता किया है कि क्या कराना सही होगा। तो फ़िलहाल इन्होंने ये फैसला लिया है कि अभी कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो इस अफवाह से आप बचेंगे, ठीक है। और होम सेंटर का जो ये मुद्दा है कि एग्जामिनेशन के लिए सेंटर बच्चे का बहुत दूर रहता है, तो ये होम सेंटर अभी नहीं दिया जाएगा किसी बच्चे को, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जैसा कि आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर होम सेंटर होता है तो सेंटर पे धांधली होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेंटर के जो पहले प्रोसेस था उसी सेंटर के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेंटर आपका कहीं भी हो सकता है। और कुछ बच्चे का ये भी प्रॉब्लम था जो ये यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन क्लैश कर रहा है, क्योंकि बीच में जो है वो यूपीएससी मेंस का भी पेपर है, तो इन बच्चों का ये कंप्लेन है कि अगर ये क्लैश करेगा तो बच्चे कैसे फिर बीपीएससी प्री में अपीयर हो पाएंगे। तो इनका कहना है कि देखिए, बच्चे को प्री के लिए तैयारी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं वो इस प्री में बैठ सकते हैं। अब ये इनका लॉजिक है, और इसी बेसिस पर इन्होंने बोला है कि एग्जामिनेशन क्लैश का कोई इशू नहीं है, डेट उसी डेट पर एग्ज़ाम होगी जिन डेट को इन्होंने सेलेक्ट किया है, बिकॉज उस डेट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो ये होम सेंटर का इशू हो गया कि ये होम सेंटर आपका नहीं मिलेगा। और ये जो ऑप्शनल चेंज का जो आ रहा था न्यूज़, तो ये जो है एप्लीकेबल होगा 67 से, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप जो मेंस का कॉपी है उसको RTI के माध्यम से ना देख के आप जो है वेबसाइट पर देख सकते हैं, और ये भी 67 से ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और ऑनलाइन बीपीएससी एग्जामिनेशन तो नहीं होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, और जो 20 तारीख का जो डेट है, ठीक है, 20 और 22 तारीख का जो डेट है उसको मान के तैयारी करें आप अपना। और अभी आप फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें कि बीपीएससी वन शिफ्ट में करवाया जाए, जिससे आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और फिलहाल कोई भी अपडेट के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।